आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है कि दुनिया के सबसे प्राचीन समृद्ध परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उसमें भी एक सन्यासी के रूप में, एक योगी के रूप में, देश के सबसे प्राचीन पंथ और संप्रदाय में दीक्षा लेने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान, 19 मार्च को हमारी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा और इस दौरान हर उपासना विधि, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय से जुड़े हुए अनुयायियों के पर्व त्यौहार आए हैं। इतना शांतिपूर्ण ढंग से 15 वर्षों में कभी नहीं मनाए गए। होली में ही आपने देखा होगा, होली में लोग कहते थे कि होली और जुमा एक दिन है, तो हमने कहा भी जुमा तो 52 दिन मनाया जाता है, होली एक दिन मनाई जाएगी। 2 घंटे थोड़ा आगे कर लो नमाज का समय। और मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं ने इसको स्वीकार किया। मैं धन्यवाद दूंगा कलवे जब्बा जी को जिन्होंने पहल की, बरेली के मौलवियों ने, प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर। उन्होंने कहा 12 बजे ही क्यों नमाज होगी, उन्होंने कहा 2 बजे करेंगे, किसी ने कहा 2:30 बजे करेंगे, किसी ने 3 बजे। अगर ये संवाद स्थापित हो तो सौहार्द भी स्थापित हो जाएगा। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा। ये पाखंड करने से नहीं होगा क्या मंदिर जाएंगे तिलक लगा देंगे, मस्जिद जाएंगे टोपी रख देंगे, फिर जाकर कहीं और जाएंगे वहां कुछ और कर देंगे, ये नहीं होगा। हमारी आस्था हमारी जगह है, लेकिन सुरक्षा सबको देंगे और पर्व और त्यौहार मनाने की पूरी स्वतंत्रता भी सबको, अगर शांतिपूर्ण ढंग से मनाता है सबको। ये बताइए।